साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी रिजल्ट गुरु की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएगा। साथियों इधर आप देख पा रहे हैं, ये आपका ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। और ये जो हैं अतुल प्रसाद हैं, वो भैया बीपीएससी के हेड हैं। इन्होंने कुछ अपडेट बताया है, इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। क्या बताया है कि ट्री सोशल साइंस कैंडिडेट मस्ट नोट हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन पार्ट सेकेंड एंड थर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ हिस्ट्री इन पार्ट थर्ड पार्ट सेकेंड, अदर अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में पार्ट सेकेंड लेना चाहता है, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन पार्ट थ्री, ठीक है। बट इफ ज्योग्राफी इज पार्ट सेकेंड, देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शन आर और पार्ट थ्री। तो कुल मिला के आपको ये पता है, बताया जा रहा है बार बार कि आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट कैसे करना है। एक बार हम OMR सीट के माध्यम से आपको बता देते हैं। इधर देखिएगा कि ये आपकी OMR सीट है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुने। अब प्रत्येक पार्ट से आप एक विषय कैसे चुने, तो इधर देखिएगा ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड की तो बात हो रही है, पार्ट वन की तो पार्ट हुई नहीं है। तो अगर आपने हिस्ट्री चुना है पार्ट सेकंड में, तो आप पार्ट थर्ड में हिस्ट्री नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी चुना है तो या तो आप पार्ट सेकंड में ज्योग्राफी सिलेक्ट कर सकते हैं और या आप पार्ट थ्री में ज्योग्राफी सिलेक्ट कर सकते हैं, या लिखा हुआ है ना। और अगर आपने जो पार्ट आपका सेकंड है, पार्ट आपके सेकंड में आपका इकोनॉमिक्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये पार्ट थर्ड में इकोनॉमिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस आप पार्ट सेकंड में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं पार्ट थ्री में। तो यही अपडेट है, ये जो आपका जब एग्जाम होगा तो थोड़ा पार्ट सेलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो ये अब आपका अपडेट आज ही आया है रिसेंटली में। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा कि आखिर पर किस प्रकार को आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट, किस प्रकार से आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले हम आपको रिजल्ट ग्रुप पर तो बताते ही हैं। थैंक यू।